हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताएंगे ये जो स्विच लगता है हमारा, ये डोर के पास ही लगता है, तो इसका हाइट कितना होना चाहिए, इसका हाइट कितना होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है इसका हाइट कितना, स्विच का हाइट कितना रखेंगे आप, और ये हमारा सॉकेट है, सॉकेट का हाइट कितना होता है, और जो इसका स्पेस है ये कितना छोड़ेंगे, ये देख सकते हैं स्पेस हमारा। और इधर भी देख सकते हैं हमारा दो सॉकेट है, एक डबल सॉकेट है और एक ये जो हमारा डाटा का पॉइंट है, तो इसके लिए भी कितना छोड़ते हैं ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको चेक कराते हैं पहले, सबसे पहले ये हमारा जो स्विच है इसको हम रखते हैं। इसका जो पहले आप ये जान लें इसका टॉप और सेंटर और बॉटम कौन सा है, तो कभी भी इसका जो नापेंगे आप तो सेंटर नापेंगे, टॉप या बॉटम नहीं नापेंगे। ये टॉप है हमारा, ये बॉटम है और ये सेंटर होता है हमारा, तो बहुत से लोग को मालूम नहीं होता है, तो इसके लिए मैं बता दूं। तो मैं इसको ये देख सकते हैं, मैं नीचे से इसको लूँगा, ये देखिए ये हमारा 120 सेंटर हमारा आएगा। कभी भी स्विच लगाएंगे आप तो आपको 120 सेंटी पे ही लगाना है, 120 सेंटी पे आपको लगाना है, ये स्विच का हो गया। और अगर एलबी रूम होता है तो एलबी रूम में 130 पे लगता है, 130 सेंटी पे लगता है, लेकिन जो रूम हमारा होता है नॉर्मल रूम होता है तो इसमें हम 120 पे ही लगाएंगे। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, बहुत छोटा सा चीज़ है मगर ये मालूम होना चाहिए। देख सकते हैं जो सॉकेट हमारा है ये 45 सेंटी पे होता है, हम नीचे से इसको टच करके लेंगे, ये फाइनल है पूरा हमारा, तो ये देख सकते हैं 45 सेंटी, ये देखिए टच है, थोड़ा दूर से भी दिखा दें, तो ये हमारा सॉकेट कभी भी लगेगा तो 45 सेंटी पे ही लगेगा, तो ये भी सेंटर ही लगेगा, टॉप बॉटम नहीं। ड्राइंग में सेंटर ही दिया होता है, ड्राइंग पे वीडियो बनाया, वो वीडियो ना देखें तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो भी चेक करा दें। तो हमारा जो स्पेस होता है ये देख सकते हैं, अभी हमारा स्पेस 4 सेंटी आ रहा है, हमारा ये स्पेस है 5 सेंटी, क्योंकि जब हमारा ये स्विच हमारा जब इस पर प्लेट टाइट हुआ तो आधा सेंटी इधर आधा सेंटी इधर ले लिया, तो बॉक्स के ऊपर आ गया, तो इसके लिए ये 4 सेंटी है, इसको 5 सेंटी रखा जाता है, ये देख सकते हैं 4 सेंटी है तो 5 सेंटी रखा जाता है। ये स्विच हो गया और नीचे वाला जो हमारा हो गया ये सॉकेट हो गया। तो और स्विच के लिए जो बॉक्स लगाएंगे ये 3x3 का बॉक्स लगाएंगे, GI बॉक्स, और इस सॉकेट के लिए भी हम 3x3 का ही लगाएंगे। और हमारा ये जो डबल सॉकेट होता है तो इसके लिए हम 3x6 का लगाएंगे, GI बॉक्स होता है तो GI बॉक्स, और इसके लिए जो डाटा के लिए हमारा होता है तो डाटा के लिए भी हम लगाएंगे 3x3 का ही बॉक्स लगाएंगे, 3x3 का होता है, तो इसके लिए इसका भी स्पेस आप देख सकते हैं सेम स्पेस है, ये देख सकते हैं 4 सेंटी हमारा स्पेस आ रहा है, तो ये 5 सेंटी हम छोड़े हैं, इसीलिए 5 सेंटी छोड़ते हैं कि हमारा 4 सेंटी इधर गैप आएगा। तो ड्रैग में इसी तरीके से इसका हाइट बताया जाता है, और इसका हाइट भी अगर बोले तो मैं चेक करा सकते हैं, ये देख सकते हैं ये भी हमारा 45 ही सेंटी है, ये देख सकते हैं ये देखिए 45 सेंटी इसका सेंटर है, स्विच हो चाहे सॉकेट हो चाहे डाटा का बॉक्स हो सारा ये सेम हाइट पे ही लगता है। स्विच का हाइट जो बताएं आपको 120 और इसका 45 सेंटी, तो सारा सेंटी में ही इसको चेक करके आपको बता रहे हैं, यहाँ पे सेंटी और एमएम दो ही चीज़ चलता ही है, ड्राइंग में पूरा एमएम में होता है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी इसमें स्टिकर मारा हुआ है कौन सा सर्किट है और कौन सा डीपी आ रहा है इसके बारे में, इसमें कभी इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो इसको रिपेयर करने में ईजी होगा, इसके लिए देते हैं। बस अभी के लिए इतना ही, इसी तरीके का इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, न्यू वीडियो आने वाला सबसे पहले आप देख पाएंगे। थैंक यू सो मच।